अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। वेब डिज़ाइनिंग के एक और न्यू लेक्चर में आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ। लास्ट वीडियो के रिकैप की बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने नेस्टेड लिस्ट बनाना सीखी थी, जिसमें हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के हवाले से भी बात की थी और अनऑर्डर्ड के लिस्ट के हवाले से भी बात की थी। नाउ आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप नेविगेशन मेन्यू बार बना सकते हैं HTML और CSS को यूज़ करते हुए। मेन्यू बार एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन करें तो वहाँ पर आपको एक नेविगेशन बार मिलती है, जहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज दिखाई जा रही होती हैं। जैसे कि इस केस में हमारे पास होम है, प्रोडक्ट लिंकिंग, प्रोमोशंस, टूल्स, रिपोर्ट्स, हेल्प, ये हमारे पास एक नेविगेशन बार मेन्यू बना हुआ है। आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर देखते होंगे कि आपको डिफरेंट टाइप्स के नेविगेशन बार मिलते हैं और वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के कैटेगरीज दिखाई जाती हैं। अगर आप अपने वेबसाइट के लिए, अपने वेब पेजेस के लिए इसी टाइप का नेविगेशन मेन्यू बार बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लास्ट वीडियो का कोट कर देते हैं। रिमूव बॉडी टैग के अंदर हम मौजूद हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे रही हूँ, हेडिंग वन करके, कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेविगेशन मेन्यू का। हेडिंग वन को मैंने ओपन किया है और हेडिंग वन को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पर मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने क्रिएट की है, साथ में लिस्ट मैंने एक क्रिएट की, उसके अंदर मैंने एंकर टैग लगाया है और यहाँ पर IDs दी हैं, होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट, अबाउट, और इनकी वैल्यूज़ मैंने दे दी। होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट, अबाउट, ए का टैग क्लोज किया, LI का टैग क्लोज किया और यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास क्लोज हो रही है। सबसे पहले तो इसका रिजल्ट देखते हैं किस टाइप से आता है, फिर हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास नेविगेशन मेन्यू बना हुआ आया है, होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट और अबाउट। अब मुझे इसको नेविगेशन के फॉर्म में लेकर आना है तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। स्टाइलिंग देने के लिए हम जा रहे हैं स्टाइल टैग के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टाइलिंग दी है। लिस्ट स्टाइल टाइप मैं नन रख रही हूँ, यहाँ पर मुझे कोई भी मार्जिन नहीं चाहिए, कोई भी पैडिंग नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इनकी वैल्यूज़ को 0 0 रखा है। ओवरफ्लो मैंने यहाँ पर हिडन रखा है और बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ##333333 रखा है। पहले इसका रिजल्ट देखते हैं, बाद में हम और ज़्यादा स्टाइलिंग करके उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास ये तीनों जो है वो वर्टिकल फॉर्म में ही है, लेकिन मेरे पास एक कलरिंग आ गई है, थोड़ा बहुत ग्रे कलर का शेड हमें ये देखने को मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने स्क्रॉल डाउन करके कुछ और चीज़ें ऐड की हैं। LI मतलब कि लिस्ट को मैं फ्लोट लेफ्ट रखना चाहती हूँ लेफ्ट साइड के ऊपर, और LI जो हमारे पास A टैग है, A टैग के अंदर मैं क्या चाहती हूँ, डिस्प्ले हमारे पास ब्लॉक की फॉर्म में हो, कलर हमारे पास वाइट हो। यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने सेंटर रखा है, पैडिंग मुझे 16 पिक्सल की चाहिए और टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि हमारे पास किस टाइप का आ रहा है। आप देख सकते हैं होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट, अबाउट, ये मेरे पास अब जो है वो एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मुझे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम कुछ और थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करके चेक करते हैं। मैं यहाँ पर मैंने LIA होवर किया है, बैकग्राउंड कलर मुझे ब्लैक चाहिए। जब मैं उसके ऊपर कर्सर लेकर जाऊँ अपने बटन्स के ऊपर, अपने टेक्स्ट के ऊपर, तो मेरे पास जो कलर हो वो चेंज हो जाए ब्लैक की फॉर्म में। तो चलिए रिजल्ट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जा रही हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास ब्लैक कलर मुझे दिखा रहा है, वैसे ही ग्रे कलर में है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर होवर एक्टिव हुआ तो ये कलर जो है वो ब्लैक की फॉर्म में आ गया। इस तरह से सिंपल हमने कोडिंग की है और एक ब्यूटीफुल सा नेविगेशन मेन्यू बार क्रिएट किया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ये कोड अगर आप अपने पास कॉपी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले कर रही हूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।